कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई, कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की बिजली का बिल माफ करने की मांग को लेकर 20 मई को सभी लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध करने की अपील की है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। 108 की एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया 108 की एम्बुलेंस का प्रयोग? क्योंकि साहब उनके नाम से में नहीं था कि कोई व्यक्ति मर जाए इसलिए ले जाएं। तो भाई शव वाहन ना बनाते, लेकिन ऑक्सीजन तो उसमें था। उसमें हम चंद घंटे जो हमारे अस्पताल में, कुछ अस्पतालों में बेड खाली थे और जो मरीज तड़प रहे थे, अगर 108 का उपयोग करके उसका हमने कर लिया होता तो जितनी वाहन थी उसका बहुत कुछ हम लोग यूज़ कर सकते थे। ये तमाम विफलताएँ, इंजेक्शन की कालाबाजारी, आज भी आपने सुना, शुरू दिन से हम कहते आ रहे हैं, तमाम इंजेक्शन की कालाबाजारी में भाजपा के लोग क्यों लिप्त थे? तो बड़ा साफ मेरा आरोप है कि मंत्रियों ने इंजेक्शन अपने हाथों में लिए, अधिकारियों पे डंके की चोट कर इंजेक्शन लिए और जनता तक नहीं पहुंचने दिया, और फिर इनके लोगों ने ब्लैकमेल करा। इन तमाम चीज़ों का मैं आपके माध्यम से, मैंने एक पंपलेट बनाया है, इस पंपलेट को मैं शाया कर रहा हूँ। ये मैंने जो बातें हैं इस पंपलेट में मैंने लिखी हैं, और मैं अभी FB पे भी जनता से अपील करूंगा और आपके माध्यम भी कर रहा हूं कि कल हम एक दिन पूरी भोपाल में जहां जहां होगा मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि इन तमाम मेरी बातों का अगर वास्तव में जनता ने सहा है और लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो कल भोपाल की जनता अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे काले झंडे लगाकर इस सरकार की नीतियों का विरोध करे। मैं पूरे भोपाल की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों पे काले झंडे ज़रूर लगाएं, ताकि सरकार की इस नाकामी को उजागर करें, क्योंकि ये हमको संवैधानिक दायित्व है। बाबा साहब ने और गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था। ऐसा नहीं है कि हम 144 और 188 के डर से अगर हम रोड पे नहीं आ सकते तो हम अपने घर रहकर सरकार का विरोध कर सकते। अब आप बता दें, ये तो लगातार हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। इन्होंने जो रेमडेसिविर के ऊपर, अगर मैंने उस टाइम सुझाव दिया था कि आपने बाद में इन्होंने ड्रग कंट्रोलर्स के अपने हाथ में दिया, ड्रग कंट्रोलर की क्या ज़रूरत थी? एक एक मेडिकल, अच्छा हाँ, इसमें एक बात रह गई, आपने फिल्मों में टैक्स माफ़ किया है, शिवराज सिंह जी ने फिल्मों में टैक्स माफ़ किया है, लेकिन दवाओं पर हमने GST और टैक्स 28% पूरा लिया है। दवाओं पर 28% टैक्स मध्य प्रदेश सरकार ने माफ़ अपना नहीं करा। ऐसे ही इंजेक्शन के अलावा अभी भी ब्लैक फंगस में ये है, कल ही मेरी बात हुई, 30 पलंगें केवल हमीदी अस्पताल में, महामारी तेज़ी से बढ़ रही है, पलंग की व्यवस्था 30 है। ये सरकार की नाकामियाँ, ये सरकार सिर्फ मस्खरों की सरकार है, तमाशाबीनों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए इसका विरोध करना, ताकत से विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इनको जगाना, इनके घमंड को तोड़ने के लिए हमें अहिंसा आंदोलन का सहारा लेना चाहिए। मध्यम वर्ग के लिए मैंने कहा है कि आर्थिक पैकेज इनको देना चाहिए लॉकडाउन में, क्योंकि मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। वो मान सकता नहीं है, लोगों से कह नहीं सकता, अपने परिवार को बचाने, बच्चों की और सबकी साख रखने के लिए भूखा रह सकता है, दूसरे पड़ोसी से भी नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ राशन नहीं है। तो सरकार, वो बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, भारी तादाद में हम सब मध्यम वर्ग में आते हैं। तो मेरा दरख्वास्त है कि उसको आर्थिक पैकेज दें। स्कूलों की बराबर शिकायत आती रही है कि स्कूल और कॉलेज, परिजन लड़ते हैं कि स्कूल वाले फीस ना दें, स्कूल वाले कहते हैं या कॉलेज वाले कहते हैं कि भाई हम तनख्वाह कहाँ से देंगे। वास्तविक बात सच है कि उन्हें भी लोगों को तनख्वाह देना है, तो सरकार देना, सरकार का क्या काम है? सरकार ये कहना चाह रही है इस महामारी को आपदा की आई हुई है, मालिक की तरफ से, तो ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं मालिक की मार है, उसके अंदर हम मालिक को भी मनाएं और जो हमें रसूख हासिल है उसका प्रयोग करें। सरकार बाकी काम रोके ना, बाकी निर्माण कार्य रोके, इस टाइम निर्माण कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टाइम आवश्यकता है लोगों को रोजी देने की, इस टाइम आवश्यकता है लोगों की मदद करने की, दवाएं देने की, तो वो काम रोक कर लोगों को पैकेज दे, सरकार अपनी तरफ से ग्रांट घोषित करे। जिस तरह से हमने कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों की शिक्षा का और उसका हायर एजुकेशन का हमने मापदंड रखा है, तो वर्तमान में कर देगा जो ट्यूशन फीस है प्रत्येक स्कूल में, जो बच्चे रोल्ड हैं, कोई उसमें चोरी नहीं होगी, सारी लिस्ट है बोर्ड ऑफिस के पास और सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं, भर दे जिन जिन बच्चे की जो जो ट्यूशन फीस है सरकार भरे। सुना, मैं तो तुलसी सिलावट नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी जगह सारे मंत्रियों का, अभी मैं एक भोपाल के मामले में बोल नहीं रहा हूँ, 850 रेमडेसिविर जो चोरी हुए हैं उसका रजिस्टर आज की तारीख तक सरकार नहीं दे रही। मैं मांग रहा हूँ, क्राइम ब्रांच बचा रही है, भोपाल के पुलिस अधिकारी बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि एक मंत्री किया, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने हाईकोर्ट में लगाया है, मुझे मालूम हुआ है कि 200 से 250 एक मंत्री एक रात में ले गए, वही रेमडेसिविर बिके, उन्हीं के स्टाफ ने बेचे,
ये सार्वजनिक है, तुलसी सिलावट ने बेचे हो, चाहे भोपाल में बिके हो, सब बिके हो, सबने देखा, सब पकड़ा है। जिस दिन हाईकोर्ट के, अच्छा आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा, इस सरकार को शर्म नहीं आ रही कि न्यायपालिकाओं को इंटरफेयर करना पड़ा 100 मोटो लेकर, किसी ने पिटीशन ही नहीं डाली, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने 100 मोटो लेकर इस पर संज्ञान लिया। मतलब हाईकोर्ट के जस्टिस को दर्द है, जुडिशरी को दर्द हो रहा है, लेकिन सरकार में बैठे मस्खरे को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मतलब है। 2 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, बढ़िया मेकअप होके आओ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और ये कर दो और वो कर दो और देख लूंगा और कलेक्टर सुन लो और कमिश्नर सुन लो। सुन लो तो हो कहाँ रहा है, सुन लो तो इतने दिन में क्या हो रहा। सब जानते हैं आप, हम सब जानते हैं कि मालिक है, मालिक लगभग किसी ना किसी की सुन रहा है और उस मालिक के सुनने का नतीजा है कि धीरे धीरे पैमाना नीचे आ रहा है, ये बीमारी खत्म हो गई है, धीरे धीरे और बची है वो भी खत्म हो जाएगी, सामान्य हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।